मुकाबला है। अरे जायसवाल जी, नरेंद्र मिश्रा जी, जनाब इम्तियाज अहमद साहब, शंभू महतो जी, हीरालाल पटेल जी, परमेश्वर सराफ जी, संजीत ठाकुर जी, जितेंद्र सहनी जी, पिंटू पांडे जी, इस कार्यक्रम में मौजूद जनता दल यू के हमारे साथी प्रोफेसर दिनेश चंद्र प्रसाद जी, सरदार मंजीत सिंह जी, गौरी शंकर कनौजिया जी, कुणाल पटेल जी, अजय पटेल जी, दीपक पटेल जी, जनाब सज्जाद खान साहब, श्रीमती शोभा सिंह जी, मिथिलेश सिंह जी, विनय कुशवाहा जी, मंतोष सहनी जी, जनाब मासूम खान साहब, लव किशोर निषाद जी, वीरेंद्र राय पटेल जी, अशोक पटेल जी, राजकिशोर ठाकुर जी, प्रमोद पासवान जी, देवेंद्र सहनी जी, विशाल शाह जी, भरत पटेल जी, अशोक पटेल जी, जनाब मोहम्मद तमन्ना साहब, अमरिंदर सिंह जी, या एनडीए के सभी घटक दलों के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस चुनावी सभा में आपकी उपस्थिति के लिए आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे नेताओं ने, हम लोगों के उम्मीदवार ने जो जरूरी बातें हैं उनकी चर्चा कर दी। अभी भाई राधा मोहन सिंह जी ने जिन बातों की चर्चा कर दी, अब उसके बाद कुछ हम लोगों को यहां कहने की आवश्यकता है। और शालिनी मिश्रा जिस तरह से वचनबद्ध है कि जीवन भर वो आपकी सेवा करेगी, आपकी खिदमत करेगी, और इसके बाद किसी चीज की कोई दिक्कत है, सबको एकजुट होकर के एनडीए के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाना चाहिए, यही हम आप सबसे कहने आए हैं। तीर छाप के बगल का बटन दबा करके इनको विजयी बनाइए। और जो कुछ भी यहां चर्चा हुई है, आप जानते हैं, हम लोगों को काम करने का मौका मिला 2005 के नवंबर महीने से, और जिस तरह से लगातार हम लोगों ने बिहार की सेवा की है, और पिछले 6.5 वर्षों से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को काम करने का मौका मिला, तो जितना विकास का काम हुआ हम लोगों ने अपनी तरफ से जो संभव हो वो बिहार में किया। और इस बीच आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले दौर का प्रचार 5 दिन बाद खत्म हो जाएगा। पूरे देश की दिलचस्पी ये जानने में है कि बिहार में इस बार चुनावी मुद्दे कौन कौन से हैं। चुनाव प्रचार में चल रहे भाषण देखें तो 15 साल बनाम 15 साल की जुगलबंदी चल रही है। महागठबंधन यानी कि विपक्षी दल आरजेडी और कांग्रेस के नेता एनडीए यानी कि बिहार के सत्ताधारी नेताओं से नीतीश कुमार के 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं। तो नीतीश कुमार और बीजेपी के नेता लालू राबड़ी की सत्ता के 15 साल की याद दिला रहे हैं, जिसे नीतीश कुमार बिहार का जंगल राज बता रहे हैं। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को बनाना। अब देखिए, अब नया युवक है, लोग तो बोल रहे हैं करेगा करेगा, लेकिन देखा जा। कांग्रेस भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती है और राजद भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती। इतने ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अब इनको समझ में आ गया कि इनकी सरकार अब दोबारा बनने वाली नहीं है। कुछ लोगों को अपनी चिंता रहती है, लोगों की चिंता नहीं है। लोगों को भ्रमित करके और किस किस तरह से वोट लेकर के राज करते रहे। बिहार में वोट डालने की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, चुनाव प्रचार की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। नेता से लेकर अभिनेता तक इस चुनावी दंगल में प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए हैं। हर पार्टी अपने स्टार प्रचारकों की ताकत से वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है।
कोरोना महामारी के दौर में बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां चुनाव होने जा रहे हैं। लिहाजा तीन चरणों में होने वाले इस चुनाव में कोरोना की वजह से बढ़ी बेरोजगारी एक मुद्दा तो है ही, इसके अलावा मौजूदा सरकार का कामकाज और पिछली सरकारों का इतिहास भी चुनावी चर्चा का हिस्सा बना हुआ। तेजस्वी यादव को तो मालूम ही नहीं है कि आरजेडी तो हाईजैक हो गई, हाईजैक। 19 सीटें तो माले ने ले ली, 10 सीटें अपने साथियों को दिला दी और 12 सीटें तो आरजेडी ने अपने मर्जी से कैंडिडेट बदल करके अपने लोगों को डाल दिया है। क्या हाल था, कैसा हाल चलता था बिहार का, ये किसको मालूम नहीं है।